हेलो फ्रेंड, अगर आप भी एक रेडमी नोट 8 प्रो का फ़ोन यूज करते हैं और फ्रेंड आप चाहते हैं कि नीचे का ये तीनों बटन जो है फ्रेंड आप हाइड करना चाहते हैं, तो फ्रेंड आप इसे किस तरह से छुपा सकते हैं और फ्रेंड दिखा भी सकते हैं, तो फ्रेंड बने रहें इस वीडियो में। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड इसे करने के लिए फ्रेंड आपको सबसे पहले चले जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक एडिशनल सेटिंग, तो फ्रेंड आपको एडिशनल सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड एडिशनल सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपके सामने एक पेज ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले, आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ देख रहे हैं एक है बटन और एक है फुल स्क्रीन टेस्ट। आपको देखिए फ्रेंड आप इसको अगर सेलेक्ट कीजिएगा तो फ्रेंड आपका यहाँ से बटन हाइड हो जाएगा। अगर इसको फ्रेंड आप चालू कीजिएगा तो फिर से आपका बटन आ जाएगा। तो फ्रेंड आप भी इस तरह से आप अपने रेडमी नोट 8 प्रो में आप मिनिमाइज और बैक का बटन को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में सीख गए होंगे कि किस तरह से रेडमी नोट 8 प्रो फ़ोन में बटन को हाइड और अनहाइड किया जाता है। तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें कैसा लगा ये वीडियो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।